यह आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक क्रांतिमूर्ति दुर्गा भाभी। इस नाटक के लेखक हैं अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक क्रांतिमूर्ति दुर्गा भाभी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वाधीनता का लक्ष्य शांतिपूर्ण संघर्ष से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हिंसा का सहारा लेना आवश्यक है। 20वीं सदी के आरंभ में देश में ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन को और भी तेजोमय किया। इसी विप्लवी काल में 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ दुर्गा का। उनकी माता का नाम यमुना और पिता का नाम बांके बिहारी भट्ट था, जो एक न्यायाधीश थे। दुर्गा जब 10 महीने की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया। दुर्गा जब तीसरी कक्षा में थी तब विमाता ने पढ़ाई छुड़वा दी। पिता ने संन्यास ले लिया और बुआ ने पाल पोस कर दुर्गा को बड़ा किया। सन 1918 में दुर्गा का विवाह भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। भगवती चरण वोहरा के पिता राय बहादुर शिवचरण वोहरा रेलवे के उच्च अधिकारी थे। विवाह के बाद भी दुर्गा ने पढ़ाई जारी रखी और फिर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी की। चूंकि भगवती चरण वोहरा उम्र में अपने सभी सहयोगियों में बड़े थे, इसलिए सब उन्हें दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे। नियति का अपना निर्णय होता है, वो अपना योद्धा स्वयं चुनती है। दुर्गा भाभी कब स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गईं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। स्वयं दुर्गा भाभी की जुबानी। जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और उन्होंने विद्यार्थियों से ये अपील की कि विद्यार्थी जो हैं वो स्कूल कॉलेज छोड़ दें और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के इसको आगे बढ़ाएं, तो जितने भी हमारे साथ के लोग वहाँ थे, लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर भगत सिंह भी थे, भगवती चरण मेरे पति वो भी थे, सुखदेव था, धनवंतरी थे, यशपाल थे, सुशीला दीदी वो भी थी जो कि भगवती चरण जी उनको अपनी बहन की तरह मानते थे, एक डॉक्टर लीलावती थी वो भी उसमें आई, हम लोग काफ़ी औरतें थी उस समय और हम लोग बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए और छोड़ने के बाद हम लोग सब जी जान से उसमें जुट गए। अब ये कोइंसिडेंस कहिए, संयोग कहिए, कुछ भी कहिए कि उसी समय पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने वहाँ पर एक पंजाब नेशनल कॉलेज खोल दिया। वो पंजाब नेशनल कॉलेज था, वो हम लोगों के लिए समझ लो एक आशीर्वाद बन गया। सारे विद्यार्थी उसमें दाखिल हो गए, कम से कम 40-50 लोग होंगे हमारे साथ के, हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी थे, हर किस्म के लोग थे। एक ऐसा नलाय था, उसको हम पंडित जी कहते थे। अच्छा, उनको वहाँ एक ऐसा वातावरण मिला, एक ऐसा माहौल मिला कि ये बिल्कुल पलट गए। वहाँ एक सर्वेंट्स पीपल सोसाइटी भी थी जिसमें बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लाला चिंतराम थे, के लाल बहादुर शास्त्री थे, एक द्वारकादास लाइब्रेरी थी जिसके राजा राम शास्त्री इंचार्ज थे। तो इस तरीके से करके वहाँ पर ये लोग पढ़ते थे और द्वारकादास लाइब्रेरी जो थी वो हम लोगों का अड्डा बन गई और वहाँ दुनिया का क्रांति का इतिहास बटोरा जाने लगा और वहीं से क्रांतिकारी सब पैदा हुए एक तरह से। अच्छा, जब हमारा संगठन मजबूत हो गया और नौजवान भारत सभा जम गई और हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ गया, हालांकि उस वक्त हालात ये थे कि यही लोग दरियां बिछाते थे, यही लोग पंडाल बनाते थे। तो मैं कह रही थी करतार सिंह सराभा का, हमने उनकी फ़ोटो का वो करना था अनावरण, तो मुझे याद है कि मुझसे कहा गया कि तुम एक गज खद्दर का कपड़ा ले आओ। तो मैं खद्दर खरीद लाई, मैंने उसको भिगोया, मैं उसे रंगना चाहती थी, लेकिन सुखदेव बैठा था, सुशीला दीदी बैठी थी, हम लोगों ने कहा रंगना क्या है इसको, कोई रंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने अपना ब्लेड से उंगलियां चीरी और छींटों से उसको रंग दिया, छींटों से बिल्कुल उसको तर कर दिया और वही उसको पहनाया गया। फिर ये हुआ कि हमने यूपी वालों से संपर्क किया,
यूपी के क्रांतिकारियों से, बंगाल वालों से किया और फिर हमने आर्म्स एकत्रित करने शुरू किए। और अब प्रस्तुत है भारतीय क्रांति युग की जीवंत प्रतीक रह चुकी दुर्गा भाभी पर केंद्रित विशेष नाटक क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी। लेखक हैं अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव और निर्देशक हैं विनोद कुमार। क्रांति की बाहों में गोलियां और प्राणों में परिवर्तन की पुकार होती है। ऐसी पुकारों और आवाजों से अक्सर इतिहास कांप कांप जाता है, सिंहासन थरथराने लगते हैं, सत्ता के मद में डूबे हुए दर्प घायल सर्प की भांति धूल पर रेंगने लगते हैं, धरती करवट बदलती है, अन्याय के पांव लड़खड़ाते हैं, पर क्रांति पुत्र ऐसे में भी अपने रास्ते नहीं बदलते। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर खतरे को नए अंदाज से झेलते हैं, अपने बलिदान से नया इतिहास बनाते हैं, देश की संस्कृति और उसके शौर्य की परंपरा पर चार चांद लगाते हैं। मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए, मरना क्या है। वतन हमेशा रहे सात काम और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। हद हो गई। पिछले साल से ये साइमन कमीशन भारत में घूम घूम के भारत की संवैधानिक व्यवस्था की जांच कर रहा है, ये जानने के लिए कि हम हिंदुस्तानी किस हद तक काबिल हैं। ओए जहां भी गए इन्हें साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। हर जगह कमीशन का विरोध हुआ, काले झंडों और हड़तालों से उनका स्वागत किया गया। लेकिन दुर्गा भाभी, ना तो सात अंग्रेजों का ये दल समझने को तैयार है और ना ही ब्रिटिश सरकार। राजगुरु भैया, गुस्ताखी की हद कहो, गुस्ताखी की हद। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और परंपराओं वाले हमारे देश की इस धरती पर रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम जैसे साहित्यकार, रमन और बोस जैसे वैज्ञानिक, विवेकानंद, तिलक, अरविंद, गांधी जैसे नेता पैदा हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेज हमें स्वतंत्रता पाने के लायक नहीं समझते। दुर्गा, तुम्हारी शंका सही साबित हुई। कल 20 अक्टूबर 1928 है, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचने वाला है। अब भी क्या मुंह और हाथ बांधकर खड़े रहना उचित रहेगा? इन्हें लाहौर आने तो दीजिए। लाला लाजपत राय जी ने कमीशन के विरोध में जिस भारी जुलूस की तैयारी की है वो भी देखने दो इनको। रुको दुर्गा, तुमने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली महिला मंडली के साथ? है? ये तो कल ही देखना आप। अच्छा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये हिंदुस्तानी लोग कितना कावड़ है, लेडीज को आगे कर दिया। हिम्मत है तो हम महिलाओं से मोर्चा लो। हम भारत की नारियां हैं, डरपोक और धोखेबाज तो तुम लोग हो। ओह, डोंट लिसन टू देम, लाठी चार्ज करो। दुर्गा भाभी, आप औरतों को लेकर पीछे जाइए, ये अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट, इससे हम निपट लेंगे। मारेंगी या मर मिटेंगी पर पीछे नहीं हटेंगी। अब या तो विदेशी शासन नहीं या फिर हम नहीं। चिंता मत करो, हम में से कोई इनके हाथ नहीं आने वाला। लाठी चार्ज करो। साइमन कमीशन वापस जाओ। जॉन सैंडर्स। यस सर। दिस अगली क्राउड शुड नेवर क्रॉस द बैरिकेड, स्टॉप देम एंड दैट ओल्ड मैन लाला लाजपत राय इज द लीडर। I don't like his face. Catch him or make him quiet. Right, sir. Lock him down.
लाला जी भीड़ में फंस गए, पुलिस उन्हें बेरहमी से मार रही है। दुर्गा भाभी, आपके सर से खून बह रहा है। उसकी उसकी चिंता मत करो, लाला जी घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाना होगा। दिल तो नहीं चाहता, कहना पड़ेगा, पुलिस की इस जालिमाना हरकत की मुखालफत में मुजाहरे को मुअत्तल कर दिया जाए। लाला जी, लाला जी आप हमारे साथ अस्पताल चलिए पहले, बाकी बातें दोपहर में सभा में बता दीजिएगा। चलो चलो भाई, वहां से हाथ लगाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सारी बातें मैं बता ही चुका हूं, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं ये घोषणा करता हूं कि मुझ पर जो लाठियां बरसाई गईं, वो भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कीलें साबित होंगी। लाठियों की चोट पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के लिए जानलेवा साबित हुई। यकीन नहीं होता, लाला जी का देहांत हो गया। हाँ, बहुत बुरा होगा। आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। सब उधर ही जा रहे हैं, मैं भी। देश बंधु चित्रंजन दास की पत्नी बासंती देवी भी आ रही है। ठीक है, आइए आओ चलते। लाला जी की चिता ठंडी होने के पहले ही देश का कोई युवक इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा। जय लाला लाजपत राय। छोर कर रख दिया है लाला लाजपत राय की मृत्यु ने। दुर्गा, लाला जी की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई है। सही कहा, और अगर इस कौमी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो लानत है हमारी जवानी पर। राजगुरु, हाँ। हमारे पास एक तरकीब है। जी बताइए पंडित जी। तो सुनो, हमें ऐसा करना है कि सब उधर जा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। समझ गया। मुख्य दल में सिर्फ आप, हम और राजगुरु। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए एक अलग टुकड़ी रहेगी, जिसमें विजय कुमार सिन्हा और सुखदेव के साथ भगवान दास माहौर रहेंगे। हाँ, कल है 28 दिसंबर, लाला जी की मृत्यु को एक महीना पूरा हो जाएगा। और कल उस अंग्रेज पुलिस अफसर सांडर्स की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ, पुलिस दफ्तर के सामने ही मारेंगे उसे। बिल्कुल। कोई सवाल? नहीं पंडित जी। नहीं पंडित जी, कोई सवाल नहीं। तो चलो, पूरी तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल पंडित जी। ठीक है पंडित जी, चलिए। पिस्तौलों के साथ साथ पोस्टर भी तैयार करने। पोस्टर भी, चलो आओ जल्दी। भगत, आजाद भाई उधर कोने में है, कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभालेंगे। ठीक है। वहां रह गए वो सॉन्डर्स। आता ही होगा। वो रहा, तैयार हो जाओ। तैयार हूं। आ गया वो सॉन्डर्स। सॉन्डर्स,
लाला जी की मौत का बदला अब पूरा होगा। ये ले, ये ले, ये, ये, ये। अरे साहब गोली मार दी, गोली मार दी। अरे गोली पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। जा रहे हैं उधर है, बोलो, बोलो, हो गया, पकड़ो। अरे राजभक्ति की धुन में पागल हिंदुस्तानी हेड कांस्टेबल, गेहूं के साथ घुन की तरह पिसना पड़ेगा तुझे। जिन्होंने सैंडर्स को मारा है उन्हीं का लगाया हुआ पोस्टर है ये। अरे भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से लाहौर के कोने कोने में दीवारों पर पोस्टर लगे हैं। लिखा क्या है? आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, उसका खून जम नहीं गया है। वो राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है और ये प्रमाण देश के युवकों ने दे दिया है। उस व्यक्ति जॉन सॉन्डर्स का वध हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के कारिंदे के रूप में किया गया है। ये सरकार संसार की सबसे अधिक अत्याचारी सरकार है। मनुष्य का रक्त बहाने का हमें खेद है, लेकिन क्रांति की बलि वेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर दे। क्रांतिकारी युवकों की रक्षा अब कौन करेगा? सैंडर्स की हत्या से यह साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार हिल गई है, धरपकड़ शुरू हो चुकी है। पता नहीं सैंडर्स की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कहां छुपे होंगे। रात भर में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होंगे। इतना आसान नहीं है भाई, लाहौर से बाहर निकलना टेढ़ी खीर है। अब सीधे काम तो करते भी नहीं ये क्रांतिकारी, कुछ ना कुछ तो कर ही चुके हैं। This Lala Lajpat Rai is everywhere. These bloody Indians, they don't understand what Simon's Commission is. ये कमीशन उनके बेनिफिट के लिए ही आ रहा है और ये इसको ही अपोज कर रहे हैं। So, these illiterate people do not understand the value of this commission. The Viceroy himself has favored this commission to analyze the current political status of India. So, keep your men on guard. नहीं चाहता कि एक और लाला लाजपत राय पैदा हो। Yes, sir. हमने उनको इस बार अच्छा सबक सिखाया है सर। Yes. Good day, sir. Sir, Mr. Scott मिलने आए हैं। Send him in. Okay, sir. Good morning, Mr. Halley. Good morning. Yes, Mr. Scott. Is everything fine? Sir, we have some bad news. What happened? One of our senior police officer, John Saunders, was killed today in front of the police station. In the middle of market, sir. What? Yes, sir. Actually, they came to kill me. वो लोग मुझे मारने आए थे, but they killed Assistant Superintendent John Saunders. Bloody hell. How do you know they came to kill you? Sir, look at this poster. मेरा नाम काटकर सॉन्डर्स का नाम लिखा हुआ है। And sir, one Indian soldier was also killed. Count have a look. Sir, we have no witnesses. But I think they were from some extremist group. किसी ने उन्हें ठीक से देखा नहीं, लेकिन पता चला है वो दो लोग थे। One of them was a sick boy with beard and turban. लेकिन उन लोगों ने सैंडर्स को क्यों मारा? Why? Sir, उन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया है। इन इंडियंस का इतना हिम्मत एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाएं? हमसे बदला लें? बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दो, घर घर की तलाशी लो और कोई भी सिख लड़का दिखाई दे अरेस्ट हिम, और जो भागने की कोशिश करे
Kill that bastard! I want that sick boy in front of me by tonight. These so-called patriots, how dangerous sabit ho sakta hai. हम इन इंडियंस को बताएगा पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने का क्या रिजल्ट होता है. They are going to regret this act, sir. सुखदेव भाई, अभी रात के 10 बजे तक तो आपके घर के बाहर पुलिस वालों का पहरा लगा रहता है. मैं तो कब से इनके जाने का इंतजार कर रहा था भैया. सुबह 6 बजे से ही घर को घेर लेते हैं ये लोग. लेकिन बोरा जी इनके हाथ में कहाँ आने वाले. सीआईडी का छापा पड़ने से पहले ही कलकत्ता निकल गए थे. अरे भाभी, हम हिंदुस्तानी इन अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा देंगे. वैसे भाभी, आप कलकत्ता क्यों नहीं गई. बोरा जी ने तो कहा था, मैं नहीं मना करती. छोटे से शची को लेकर कहाँ कहाँ घूम गए. मैंने कहा आप जाइए, इन अंग्रेजों से मैं अकेले ही निपट लूंगी यहाँ लाहौर में. ये भी ठीक हुआ भाभी. अच्छा भाई, आप कुछ खाएंगे. खाना लगा दो. नहीं नहीं भाभी, भूख नहीं है. क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं. भाभी आपसे क्या छुपा, साउंडर्स वाली घटना के बाद धरपकड़ तेज हो गई है. साथियों को लाहौर से बाहर निकालना है, समझ नहीं आ रहा क्या करें. भाभी, भगत सिंह को अभी लाहौर से नहीं निकाला गया तो ठीक है, मैं समझ गई. मुझे मुझे बताइए क्या करना है, मैं निकलवाऊंगी उनको. लेकिन भाभी, उनके पीछे पुलिस लगी है, खतरा बड़ा है. और फिर आपकी गोद में शची की जान पर भी आफत आ सकती है. कोई चिंता नहीं, शची भी एक क्रांतिकारी का ही पुत्र है. ठीक है भाभी, कुछ रुपए और चाहिए होंगे. कितने. 300-400 मिल जाएं तो काम बन जाएगा. हाँ लाती हूँ. बोरा जी 500 रुपए देकर गए थे और कहा था कि कोई आए तो दे देना. अभी आए. ठीक है. ये लो भैया रुपए. हाँ भाभी, आप तैयार हो जाइए, मन को लेकर आता हूँ. ठीक है. ले भगत सिंह, तेरे केश भी काट दिए और तेरी दाढ़ी भी साफ कर दी. देख देख इस आईने में देख. ओए, मेरी तो शक्ल ही बदल गई. ओए ओ गुरु, हमारा तो नहीं पता, पर अगर तू अंग्रेजों की गोली से जिंदा बच गया ना और देश भी आजाद हो गया तो तू तो कमा खा लेगा. ओए भगतिया, वो कहाँ गया. वो कौन होए. ओए वही सिख छोकरा. वो तो गायब हो गया, तूने गायब कर दिया राजगुरु. अच्छा तू ऐसा कर, ये अब ये अंग्रेजी कोट भी पहन ले. ले आ पाई. और ये हैट भी लगा ले. आलगा, आए हाय सदके जावा, गबरू जवान लग रहा है. गबरू जवान लग रहा है पूरा. सुखदेव भाई, ये अंग्रेज हमारे घर में क्या कर रहा है. आप इसे मिलना आया भाभी. अरे पहचाना. तू पहचाना. ये तुमने क्या कर लिया, अपने केश कटवा लिए, तुम्हारा धर्म. भाभी, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. राष्ट्र है तो ही धर्म है. हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए सच. भाभी, जब आप ही मुझे नहीं पहचान पाई तो ये अंग्रेजों की पुलिस मुझे क्या खाक पहचानेगी. भाभी, हमें पहचानना. हमारे हाथ की रोटियां खाते हो और हमसे पूछते हो हमें पहचाना राजगुरु. चलो. आपके हाथ की रोटियां कैसे भूल सकता हूँ भाभी. भाभी, आप अपनी जरूरत का सामान ले लीजिए, हमें आज रात को ही ये जगह छोड़नी होगी. ठीक है. भगत सिंह, भगत सिंह तैयार हो जाओ. तैयारी पूरी है राजगुरु भाई. सुखदेव भाई, लाओ हमारा टिकट दो. ये लो.
शची तो सो गया है। कोई बात नहीं पापी, मैं उसको गोद में ले लेता हूँ। ठीक है भैया। ये रहा हमारा सामान। लो पापी, इसको तो मैंने उठा लिया। मैं मोटे पे। मैं अभी आती हूँ। राजगुरु, भगत सिंह और भाभी का फर्स्ट क्लास का टिकट है और तुम्हारा थर्ड क्लास का। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल ठीक। तुम्हें कानपुर उतरना है। हाँ। भाभी और भगत ट्रेन बदलकर कलकत्ता चले जाएंगे। चलो लाओ मेरी पिस्तौल। ये सेफ्टी पिन लई मैं लगा लेती हूँ। चले अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या। एक कहानी विच पढ़ी है आज दा अखबार और क्रांतिकारियों ने लिता लाला जी दी मौत दा बदला। पुलिस को एक सिख नवयुवक की तलाश। एक कहानी च ले लो, एक कहानी च ले लो, एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी लो जी, लो फड़ो फड़ो लो लो आज दा अखबार ट्रिब्यून। ए ट्रिब्यून, ये यस सर, यस सर। गिव मी वन पेपर। यस सर। Here you are. Hey, officer, what happened? Oh, madam ji, एक सिख लड़के ने हमारे एक अफसर को गोली मार दी है और उसी को ढूंढ रहे हैं जी हम। Oh my God, very unfortunate. Carry on. Sick boy. Excuse me, madam. Can I have your ticket? Yes. Sir. Ticket? Yes. Here you are. Sir, your name? Thomas. Thomas. And your identity card? Sorry? Do you have any identity card? Oh, yeah. Don't cry, baby. Sir, please hold my baby for a moment. I will show you our IDs. What? Just... I can't hold your baby. I have better things to do, madam. But... पापी, आपने बेचारी इस नन्ही सी जान को इतनी जोर से चूंटी काटी, चीख के रो पड़ा। तुम्हारी वजह से की। तुम्हारा हाथ जब पिस्तौल की तरफ बढ़ा तो मुझे शची को रुलाना पड़ा। टॉमस साहब। पापी, प्रगति भाई आएंगे क्या? हाँ हाँ भैया, वो आते ही होंगे। प्रगति भाई, प्रगति भाई। अरे दुर्गा, तुम यहाँ कैसे? और ये कौन? ये प्रगति भाई, आपने मेरे को नहीं पहचाना। मैं भगत। अरे तुम जी, अरे तुम्हारे पीछे तो पुलिस पड़ी, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। Hey, what's your problem? इसे मैंने बुलाया है। Go. Sorry, madam. Sorry, madam. अरे भगत, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। आपका ये नया ठिकाना तो ठीक ठाक ही है जी। हाँ, सुशीला दीदी की वजह से मिल गया ये ठिकाना। मकान मालिक सेठ छाजू मल के बच्चे को पढ़ाती है। अच्छा। और हमारे काम में मदद भी करती है। अच्छा। सेठ जी की पत्नी लक्ष्मी बहन का विशेष अनुराग है उन पर। वैसे पुलिस इधर कम ही आती है। दुर्गा, स्टेशन पर तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम तो बड़ी बहरूपिया निकली है। तो आप भी कम थोड़ी है, कुली का रूप अच्छा सज रहा था आप पर।
तुमने बड़ा साहस दिखाया, लाहौर से निकल आई। आजादी की लड़ाई में ये तो छोटा सा जोखिम है। दुर्गा, तुम्हें एक बार भी ये डर नहीं लगा कि अगर शची को कुछ हो जाता तो? एक बार को तो लगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम समझेंगे कि देश की सेवा में शहीद हो गया। अच्छा, रसोई किधर है? रसोई वो उधर वहाँ। अच्छा, अरे रसोई का नाम सुनते ही भूख सी लगाई है। दो जी रोटी दो भाभी। अरे दाल ये लीजिए। हाँ दाल मुझे ये रोटी दाल। बस भाभी बस, और नहीं चाहिए। भाई एक बात तो है, बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच बढ़ते संबंधों से भाई फायदा तो बहुत हुआ है। हाँ राजगुरु, लेकिन खतरा भी तो बड़ा है भाई। ठीक है भगवती भाई, ये बात सच है, पर हम सारों ने मिलके क्रांति का जो राग छेड़ा ना, अब उसकी लय को उरूज तक पहुंचाने का वक्त भी आ गया। ये बात तो है भाई। करना क्या चाहते हो? तमाका। तमाका? हाँ पापी, बैरों को सुनाने के लिए ना तमाका जरूरी है। जल्दी समझ जाओगे आप। बस आपके अजात पहिया के हाँ करने की देर है। क्षेत्रीय संगठन की अगली बैठक है, इस पर वही चर्चा की जाएगी। ठीक है भाई, अरे भाई खाना तो खाओ। अभी थोड़ी सी दाल हो दो। तो तय रहा 8 अप्रैल 1929। इस दिन सेंट्रल असेंबली में दो जन विरोधी विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना है, और इतने जोरदार तरीके से करना है कि दुनिया तक इसकी आवाज पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब जरूरत है ये निश्चित करने की कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट की योजना को कैसे कामयाब किया जाए। ये सोचने वाली बात है। आजाद भैया, आपके चेहरे पर दुख। दुर्गा, दुर्गा कब तक यूं ही अपने साथियों को इसी तरह बलिदान होने के लिए जाते देखता रहूं? मैं जाना चाहता था असेंबली में धमाका करने, लेकिन भगत सिंह मानता भी तो नहीं है। बम भी ऐसे कि किसी की जान भी नहीं जाने वाली, ऊपर से वो दोनों वहां गिरफ्तार होना चाहते हैं। भगत सिंह कहता है इससे आंदोलन को और अधिक फायदा होगा, युवाओं में जोश और हौसला बढ़ेगा। मुझे मालूम है अब कुछ ही दिनों में ये दोनों देश की संपत्ति हो जाएंगे, और तब हमारे पास सिर्फ इनकी याद ही रह जाएगी। तब तक के लिए मेहमान समझकर इनके आराम तकलीफ का ध्यान रखना दुर्गा जी। ध्यान रखना। धमाका किसी को मारने के लिए नहीं था, ये धमाका बैरी हो चुकी सरकार को सुनाने के लिए था। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। असेंबली में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद आपको पता ही है कि गिरफ्तारियों का तांता लग गया है। हाल फिलहाल की सभी क्रांतिकारी घटनाओं को जोड़कर मुकदमों के नाटक खेले जा रहे हैं, अपराधों और आरोपों का जाल बिछाया जा रहा है। उधर भगत सिंह और हमारे दूसरे साथियों पर जेल में अत्याचार किए जा रहे हैं,
अंग्रेज साम्राज्यवादी सरकार उन्हें तोड़ने झुकाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र रच रही है। भाग्यवश कुछ एक कच्चे लोहे के बने हुए भी सिद्ध हुए, तो छुप गए, मुखबिर बन गए। लेकिन जो लोहे का जिगर रखते हैं वे भला कैसे झुकते हैं। भगत सिंह और हमारे कई साथियों ने अलग अलग जेलों में लंबे अनशन की परंपरा भी कायम की। यतीन्द्रनाथ दास तो अनशन करते हुए शहीद भी हो गए। लीक छाड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत। भगत सिंह सही कहता है, आजादी के लिए आकुल देश पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ रहा है, जनता में सनसनी फैल रही है, देश में जागरण की लहरें हिलोरे ले रही है, क्रांति की भावना को मर्यादा मिल रही है, बलिदान की कामना सहस्र कंठों में गूंजने लगी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजाद भाई, सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल फिर से खुल गई है और पुलिस के हाथ इस बार कुछ नए सबूत भी लगे हैं। असेंबली बम धमाके के साथ उसे भी जोड़ दिया। आजाद भैया, अब आप ही बताइए क्या करना है। भगवती भाई, विश्वनाथ भाई, हमें किसी भी हालत में भगत सिंह को जेल से छुड़वाना होगा। बिल्कुल सही कहा, अगर भगत सिंह को सजा हो गई तो हमारा आंदोलन बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन हम उन्हें छुड़वाएंगे कैसे? भगत सिंह और बटुकेश्वर को बोस्टल जेल में रखा गया है। बोस्टल जेल से अदालत के बीच का रास्ता तकरीबन 2 मील होगा और इसके बीच रास्ते में पड़ता है फरीद गेट। जिस वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से अदालत की तरफ ले जाया जाएगा, ठीक उसी वक्त फरीद गेट पर हम पुलिस पर धावा बोल देंगे और उन दोनों को छुड़वा लेंगे। ठीक है भैया, लेकिन हमें इस योजना की जानकारी जेल के भीतर अपने साथियों तक भी तो पहुंचानी होगी। हाँ विश्वनाथ, ये काम दुर्गा बखूबी कर लेगी। बिल्कुल, बम और पिस्तौल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ठीक है आजाद भैया, जब बम बनकर तैयार हो जाएंगे तो उन्हें टेस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी। इस काम में जितने भी लोग होंगे उनके रहने और खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन भगवती भाई, इन सब में तो बहुत खर्चा। अरे दुर्गा भाभी, नमस्ते। नमस्ते विश्वनाथ भैया, किस चीज में खर्चा भैया? भाभी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना में जितने भी लोग होंगे उनका रहना खाना, बम पिस्तौल का इंतजाम और कुछ कमरे भी तो किराए पर लेने होंगे, तो इन सब में बहुत खर्चा होगा। 3,000 में काम चल जाएगा? 3,000? भाभी, इतने में तो हथियारों की फैक्ट्री खुल जाएगी। दुर्गा, इतने पैसे कहाँ से आए? बोरा जी, आपको याद नहीं, हमारी शादी के समय आपके पिताजी ने हमें 55,000 रुपए दिए थे, उन्हीं में से बच्चे हैं। वाह भाभी वाह। अब अगर मैं इतरा कर बोलूं कि आखिर पत्नी किसकी है तो तुम सभी जलोगे तो नहीं है? आजाद भैया, आपने तो पूछा ही नहीं कि जयपुर से क्या लेकर आई हूं। 4 और 4, 8 बंदूकें। आजाद भैया, ये खास आपके लिए। अरे वाह दुर्गा, ये तो बड़ा ही शानदार मौजर है। वाह बहन, तुम्हारा दिया हुआ ये उपहार समय आने पर हमारी जान की नहीं तो हमारी आन की रक्षा जरूर करेगा। तो ठीक है, एक्शन के लिए 8 जून 1929 की तारीख तय हुई। शिव वर्मा और जयदेव को छोड़कर सभी साथी शहर से दूर चले जाएं। और उससे पहले हम बम बना लेंगे और उसका टेस्ट भी कर लेंगे। सुखदेव राज और विश्वनाथ इसमें मेरी मदद करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मेरे विचार से ये जगह ठीक है, यहाँ ये टेस्ट कर लें। हाँ, बम टेस्ट कर लें। हाँ, हाँ, यहाँ ठीक है। ये वाले तो ठीक लग रहे हैं, ये ठीक है ना? हाँ। बड़ा पिन वाला एक देख लेते हैं, मुझे दीजिए। तुम दोनों पीछे हटो।
लाओ इधर इस बम की पिन ढीली है। अरे तो तुम लोग नए हो, मैंने ऐसे बहुत बम फोड़े। भगवती भाई संभाल के। आप ठीक तो है ना भाई? भगवती भाई आपको तो गहरी चोट लग गई है। ये क्या हुआ? चलो अच्छा ही हुआ। यदि तुम दोनों में से कोई घायल हो जाता तो मैं आजाद को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आप तुम्हें तो मालूम है उस पंडित का गुस्सा। आप हिम्मत रखिए भैया, हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। ठीक है। अरे सुनो सुनो, अब डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना। क्यों क्यों? मुझे यहीं रहने दो, अब मैं नहीं बचूंगा। भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मलाल रहेगा कि भगत सिंह को छुड़ाने में मैं साथ न दे सकूंगा। आप सुनो, दुर्गा से कहना मैं उसे भैया, भगवती भाई, भैया भगवती भाई, भैया। मौत को एक बार जब जमाना है तो डरना क्या है? हम सदा खेल ही समझे, मरना क्या है? वतन हमेशा रहे शाद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहें ना रहें? क्या मैं एक बार उनके अंतिम दर्शन कर सकती हूं? नहीं दुर्गा, नहीं, वहां ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वहीं पर भगवती भाई इस आंदोलन की नींव थे। आजाद भैया, पूरा जी नहीं रहे तो क्या हुआ? आंदोलन कभी नहीं रुकेगा। मेरा काम बढ़ गया है, अब मुझे अपने काम के साथ साथ आंदोलन के लिए, संगठन के लिए वो सारे काम भी करने हैं जो वोरा जी करते थे। आप हौसला रखिए, कुछ देर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है दुर्गा। ए, ये बुढ़िया कौन है? ओ जी पगड़ी चाची है, चाची। वो तो बड़ा मानसी मिलन दा जी, तब मैं ले आया जी। अच्छा ठीक है, ये झोले में क्या है? एदी विच ये जी है पिनिया ने, पिनिया। ओ जी पगड़ी वास्ते ओनु बड़ी पसंद है जी। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ आ जा भैया। भगत ते आ मेरा लाडला, देख चाची मिलन आई तेनु। सासरी काल चाची, सासरी काल। सासरी काल, कैसा है मेरा लाल? बिल्कुल ठीक है चाची। ले, तेरे खाने ले पिनिया ले आई सी। पिनिया? ये क्या है? अब पिनिया जी। दिखाओ इधर दिखाओ। ओए बुड्ढी कौन है? ये भगत की चाची है, मिलने आई है। चलो चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो चलो। प्याज के रस से लिखा है संदेश, लालटेन की गर्मी के आगे रखकर पढ़ना। चंगा चंगा चाची, अपना ख्याल रखी चाची। ओ चलो चलो, मेरा टाइम खत्म हो गया, चल ना हूं, चल। सुखी, ये औरत कहीं देखी लगती है, मैंने शायद इसको भगत सिंह के मुकदमे के दौरान कोर्ट में देखा है। वो ये जरूर वो दुर्गावती है, भगवती चरण वोरा की वो टी। पर ये भेष बदल कर क्यों आई है यहां? ओए भगत, बखा क्या लेके आई है? कुछ नहीं जनाब, पिनिया है। ओ की है, ओ बखा।
ए जी, ए खाली कागज जनाब लिखन ले। अरे सर इसको छोड़ो, अगर हमने उस औरत को पकड़कर साबित कर दिया कि वो दुर्गावती है तो अंग्रेज अफसर हमें कुछ ना कुछ इनाम जरूर दे देंगे। वो तो फिर चल ना, ये आंकड़े कड़े जलेबियां तलनी है क्या? चल 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 और चल मेरे यार। आजो सेनाबाद, 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 एक सवारी सेनाबाद, आजो जी आजो, एक सवारी सेनाबाद, 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 भैया चलो हो सेनाबाद। अब बैठ बीबी, बैठ बैठ, चलो आ चलो चलो शेरा है, आ चलो बाबू, ओ बेबी पर आ जा। पर वो बूढ़ी नहीं थी, जवान थी। तुझे क्या पता वो कब बूढ़ी से जवान और जवान से पठान हो जाती है, ये बता गई किधर है? हुसैनाबाद जाने वाले तांगे में बैठी थी जी। और चल सुखी सुखी बैठ जा, बैठा बैठा। लेकिन साहब मैं तो गाली बाजार जाने के लिए खड़ा हूँ। ओए चुप चल, वरना तेरा तांगा ना ये घोड़ा नहीं तू खींचेगा, समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया। हाँ चल बड़ा तांगा। भगत सिंह को जेल से छुड़वाने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ठीक कहा भैया आपने, जेल के बाहर बहुत पहरा है, हम भी कल जैसे तैसे बचकर आए हैं। भैया भगत सिंह के मुकदमे में कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। हमें इस अंग्रेजी हुकूमत को एहसास दिलाना होगा कि भगत सिंह के जेल में होने के बावजूद हमारा आंदोलन आजादी के लिए पूरे देश में सक्रिय है। हाँ भैया, हमें कोई बड़ा एक्शन करना होगा। लाहौर का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? हाँ हेली, वो आजकल बंबई का पुलिस कमिश्नर है। अगर उससे अंग्रेजी हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ठीक है, तुम और सुखदेव राज बंबई के लिए रवाना हो जाओ। ठीक है। वहां मेरे मित्र हैं पृथ्वी सिंह आजाद, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और हाँ, वहां पहुंचकर योजना बनाओ, मुझे सूचित करो, हम उसे वहीं गोली मारेंगे। ठीक है भैया। लेकिन दुर्गा भाभी लाहौर से बाहर कैसे जाएंगी? इन्हें तो पुलिस वाले चेहरे से भी पहचानते हैं। अरे ये दुर्गा है, दुर्गा बहरूपिया। सब गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ भैया? बंबई में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी दुर्गा और सुखदेव राज ने। मारने भेजा था पुलिस कमिश्नर हेली को और मार दिया किसी सार्जेंट टेलर और उसकी पत्नी को। अरे ऊपर से इतने सारे सबूत छोड़ा है, पुलिस इनके पीछे पड़ी है और इनकी इनकी कोई खबर नहीं। नमस्ते भैया। क्या हुआ भैया, कोई भूल हो गई क्या? ये क्या है दुर्गा, पढ़ो इसे। क्या? हेली की जगह एक मामूली सार्जेंट और उसकी पत्नी को मारकर आई हैं आप? लेकिन गाड़ी पर गवर्नर का झंडा था, हमने सोचा कि वो हेली ही होगा। और पुलिस को सबूत के तौर पर आपकी साड़ी मिली है, उन्हें पता चल गया कि हमारे आंदोलन में आप भी शामिल हैं, आपके नाम के वारंट भी जारी हो गए हैं। आपने आजाद भैया के आने तक का इंतजार नहीं किया? हाँ भैया, ये बड़ी भूल तो मुझसे हुई। 7 अक्टूबर 1930 को जब ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई, तब से मैं आपे में नहीं हूं। बार बार मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ जाता है। राजगुरु और सुखदेव से वाइसराय के नाम मर्सी पिटीशन दिलवाने की कोशिश भी बेकार गई। जब वकील प्राणनाथ उनका मसविदा लेकर पहुंचे, तब तक भगत सिंह अलग से एक प्रार्थना पत्र वाइसराय को भेज चुके थे, हम कुछ चाहते हैं और भगत कुछ और। हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे ऊपर युद्ध जारी रखने का भी। इस स्थिति में हम युद्धबंदी, अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही बर्ताव किया जाए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। दुर्गा ये लो पानी पियो।
रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक काम करो, मेरा एक प्रस्ताव लेकर गांधी जी के पास जाओ। समझो ये अंतिम कोशिश है हमारे साथियों को फांसी से बचाने की, अंतिम कोशिश। मैं तैयार हूं। जय हिंद गांधी जी। जय हिंद। आपका परिचय? मैं दुर्गा, दुर्गा देवी वोहरा, और ये सुशीला, हम क्रांतिकारी हैं। अच्छा, तो आप हैं दुर्गा। हमें भगवत जी की मौत का बहुत दुख हुआ। बैठिए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हम लोग एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। प्रस्ताव? चंद्रशेखर आजाद जी का प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? हम चाहते हैं कि अंग्रेजों के साथ जिस समझौता वार्ता में आप आमंत्रित हैं, उसमें आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने की शर्त रखें। यदि आप इन सब के मृत्युदंड रुकवा सकें तो सभी क्रांतिकारी दल आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। पानी लेंगे आप? जी नहीं। अच्छा, तुम यहाँ आ गई हो तो स्वयं मेरे आश्रम में समर्पण कर दो, मैं पुलिस से तुम्हारा छुटकारा करवा लूंगा। बापू, हम अपने विषय में नहीं, भगत सिंह और अन्य साथियों के विषय में आपसे बात करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सरकार के सामने ये बात रख दें कि भगत सिंह और अन्य साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दी जाए। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह को चाहते हुए भी उनके तौर तरीकों और कार्य प्रणाली से पूर्णतः असहमत हूँ। वो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं, जबकि मैं इसके विपरीत अहिंसा को मानता हूँ। बापू, आज तक इतिहास में किसी भी देश को हिंसा के बिना आजादी नहीं मिली है। ठीक है बापू, आपको आपकी राह मुबारक। जय हिंद। जय हिंद बापू। अगर भगवान रामचंद्र अहिंसा में विश्वास रखते तो क्या सीता मैया को वापस ला पाते? सत्ताईस फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आत्म बलिदान कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारियों की कमर टूट गई है इंस्पेक्टर साहब। अब तो फिर क्या हो गया हवलदार जी? भाई केस खत्म थोड़ी हो गया है। अंग्रेज सरकार के लिए दुर्गावती वोरा एक फरार मुजरिम है, सीआईडी साई की तरह उनके पीछे पड़ी है। वो अब भी क्रांतिकारियों को, उनके आंदोलन को जिंदा रखे हुए है और देश भर में बिखरे हुए क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए वो क्रांतिकारियों की दुर्गापा भी अपने सहयोगियों के साथ घूम रही है। चलिए देहरादून चलना है। देहरादून क्यों भाई? अपनी दुर्गा पापी से नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ चलो। मुमकिन है आंसू छलकेंगे, मुमकिन है घुटना होगा, चलते चलते बीच राह में मुमकिन है रुकना होगा। कहाँ डगर है, कहाँ ठिकाना, वक्त कौन सा कहाँ बिताना, लेकिन नथुलाल जनाब, वो रही दुर्गा साइकिल चला रही है। हाँ सावधान, अगले मोड़ पर पकड़ते हैं उसे। जी हाँ? अरे वो गायब कहाँ हो गए अचानक? सावधान सावधान। हाँ। हिलना नहीं। अरे पिस्तौल मुझे दो। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। सीआईटी इंस्पेक्टर शिवानंद और हवलदार नथु, तुम दोनों बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे हो। मैं तुमको बार बार माफ कर रही थी, इसलिए कि मैं किसी हिंदुस्तानी भाई की जान नहीं लेना चाहता। मैं चाहती तो तुम्हें कब का परलोक भेज देती। आज आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, आज के बाद मेरे पीछे नहीं आना, वरना चलो जाओ।
निकलो यहाँ से। हाँ जाओ, तुम जानते हो मेरा निशाना कितना चुके। चलो निकलो, निकलो। चौदह सितंबर 1932 को पुलिस ने उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वे छूट गईं। वो गाजियाबाद के एक स्कूल में पढ़ाने लगीं। 1935 में फिर गिरफ्तार हुईं। 1937 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी बनी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अंततः राजनैतिक जीवन त्याग दिया और शिक्षा का क्षेत्र अपना लिया। उन्होंने मद्रास जाकर मोंटेसरी की ट्रेनिंग ली और कई वर्ष तक लखनऊ में एक मोंटेसरी स्कूल चलाया। बाद में वो अपने पुत्र शची के पास गाजियाबाद में आकर रहने लगी। सबसे पहले देश, ये वचन उन्होंने हमेशा याद रखा और निभाया, और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया वो लगातार सक्रिय रहीं और अपनी भूमिका निभाती रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद स्थित अपने निवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्रांति मूर्ति दुर्गा भाभी का जीवन देश के लिए समर्पित था। वो एक ऐसा जीवन है जिसे आजादी का इतिहास स्वयं भी कभी भूलना नहीं चाहेगा। उन्हीं के सिर रहा सेहरा, उन्हीं के ताजे कुर्बानी, जिन्होंने फाड़कर अपने रखा सिर पर कफन पहले। ना हम इज्जत के तालिब हों, ना दौलत की करें परवाह, फिदा इस मुल्क पर कर देंगे तन मन और धन पहले। क्रांतिमूर्ति दुर्गा भाभी। अभी आप अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, अशोक मलकानी, कमल साथी, किशोर सहिजानी, कुमकुम जैन, मोइनुल हसन नियाजी, राजेश कंबोज, सुनील कुमार लोहिया, नरेश कुमार सिंह, जैनेन्द्र सिंह और राहुल दक्ष। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।